एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम कुछ साल पहले एक जहाज को देख पाते हैं जहाँ पर सोटा वैकेशन के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर सोटा की दीदी आती है और सोटा को बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि हम एक लॉन्ग वैकेशन पर आए हैं, क्यों ना तुम एक गर्ल को डेट के लिए पूछो। जिसमें सोटा बोलता है, मेरे जैसे लड़के के साथ कौन सा लड़की बार डेट करना चाहेगी। तभी एक उड़ता हुआ कैप आकर सोटा के मुँह पर ऊपर गिरता है और सोटा जब देखता है तो वो देखता है कि ये कैप तो एक लड़की की है और वो लड़की सोटा को थैंक यू भी बोलती है उसके कैप को पकड़ने के लिए। अब अगले ही पल सोटा और वो लड़की एक साथ चेस खेल रहे होते हैं और सोटा पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसमें वो लड़की बोलती है, मेरा नाम साकुरा है। और यही पर ये सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में सोटा को देख पाते हैं जो कि स्कूल में आया होता है और नानामी सोटा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसको परवर्ट बोलती है। जिसमें सोटा बोलता है कि वो किस मुझे इमरजेंसी के लिए करना पड़ा। ठीक तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है और वो बहुत ही शर्माते हुए सोटा को गुड मॉर्निंग बोलती है। तो फिर साइड से नानामी बोलने लगती है कि अकाने अच्छा है कि तुम इस परवर्ट से बात ना करो। जो सुनकर अकाने बोलती है, अगर सोटा कौन परवर्ट है तो वो मुझे बोल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अकाने के सर पर फिर से वो लव फ्लैग आ जाता है। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को देखकर तो सोटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम। फिर हम उस लड़की को देख पाते है जो कि सीधा जाकर सोटा के ऊपर जम करके उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके चंगू मंगू भी सोटा के साथ टच हो रहे थे, जिसकी वजह से सोटा काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और ये देखकर तो क्लास के बाकी लड़के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। देन वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, सोटा मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उस एक्सीडेंट के वजह से तुम्हारे मम्मी पापा तो चल बसे। जिसमें सोटा बोलता है, मेरी बहन भी चल बसी। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और बोलती है, सोटा क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग्स भी है। तो फिर सोटा बोलता है, शायद तुम्हें याद नहीं है। ठीक तभी वहाँ पर नानामी दौड़ कर आकर सोटा को एक जोरदार किक मारती है और बोलती है, परवर तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो लड़की नानामी से बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है, मैं बचपन से ही सोटा को पहचानती हूँ और हम दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे, लेकिन उसने यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद मैंने 2 साल उसको नहीं देखा। और इस लड़की का नाम किकुनो होता है और किकुनो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका सीट सोटा के बिल्कुल पास ही में है और वो नोटिस करती है कि सोटा काफी ज्यादा उदास है। और अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि किकुनो सोटा के सर को अपने गोद पर रख देती है और वो ये भी बोलती है, जब तुम छोटे थे तो ऐसे ही मेरे गोद पर सर रखा करते थे और मैं तुम्हारे कान को साफ कर देती थी जिससे तुम चीयरफुल हो जाते थे। और ये देखकर क्लास के बाकी लड़के फिर से गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सोटा तो बहुत ही ज्यादा स्पॉइल्ड किड है। अब अगले सीन में हम किकुनो को देख पाते हैं जो कि सोटा के घर को देखकर रो रही होती है और इसके वजह से अकाने भी रोने लगती है। तो फिर नानामी बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो, तुमको तो पहले से ही पता है। जिसमें अकाने बोलती है, जब मुझे पता चला कि किकुनो सोटा का सिस्टर होकर इतना ज्यादा केयर करती है तो मैं खुद को भी रोक नहीं पाई। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि वो चारों ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं। वहीं पर नानामी सोटा से पूछती है, क्या तुम किकुनो के सर पर कोई भी फ्लैग देख पा रहे हो। तो सोटा देखता है कि किकुनो के सर पर एक सिबलिंग्स फ्लैग है। फिर नानामी बोलती है, तुम उस फ्लैग को तोड़ दो। फिर सोटा थोड़ा हिचकिचाता है तो फिर नानामी बोलती है, क्या तुम एक छोटे भाई के जैसे ट्रीट होना चाहते हो। तभी किकुनो सोटा के पास आकर बोलती है, नानामी तुमसे क्या बात कर रही है, तुम मुझे भी बोलो। जो सुनकर सोटा किकुनो के फ्लैग को तोड़ने के लिए उसको बोलता है कि मैं और बच्चा नहीं रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उस बात से जो किकुनो के सर पर सिबलिंग्स फ्लैग था उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि किकुनो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ और ये मुझे पता है। और ये देखने के बाद तो नानामी और सोटा दोनों ही काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। देन अगले सीन में वो चारों एक बाबा के पास आते हैं जो कि एक बच्चा जैसा दिखता है और इस बाबा का नाम है शुगुमी। जिसमें नानामी बोलती है कि ऐसा र्यूमर है कि स्कूल जो खोजा गया था उससे पहले से ये यहाँ पर है। वहीं पर अकाने बोलती है कि ये तो हमारे ही क्लास में है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया सोटा। इसके बाद किकुनो अपने प्रॉब्लम के बारे में उस बाबा को बताने लगते है। वो लोग सोटा के लिए एक नया घर बनाने के लिए सुगुमी को बोलते है, जहाँ पर जो सुगुमी है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लेक्चर सुनाने लगते है। लेकिन तभी वहाँ पर मेमोरी आ जाती है जो कि स्कूल प्रेसिडेंट है और वो बोलती है, मैं तुम सबकी मदद करने आई हूँ। फिर हम उन सभी को सोटा के घर के सामने देख पाते है। वहीं पर जो मेमोरी है वो स्कूल के एक कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को बुलाती है उस घर को ठीक करने के लिए, लेकिन उन सभी को उस घर को ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लगता, जिसके वजह से अकाने ने स्कूल के बाकी बच्चों को भी बोला मदद करने के लिए। इसके बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं घर को ठीक करने के लिए, जो देखकर सोटा भी उन सभी को थैंक यू बोलता है। और इसके बाद ही वो सभी लोग उस घर को ठीक करने चले जाते हैं। और इसके अगले ही पल हम उस घर को देख पाते हैं जो कि एकदम चेंज हो चुका होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा भी दिख रहा था, लेकिन अभी भी उस घर में कुछ चीज मूव कराना बाकी था, जिसके वजह से वो सभी लोग फिर से काम में लग जाते हैं और एक एक करके सारे चीज को सजाने लगते हैं। वही हम सोटा को देख पाते हैं जिसको एक सोफा उठाने
करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से वो एक बंदे को बुलाता है और वो उसको लड़का समझता है। लेकिन जब वो घूमती है तो वो दिखने में तो लड़की दिख रही थी, और ये देखकर सोटा थोड़ा घबरा कर अपने मन में बोलता है, ये तो एक लड़की जैसी दिख रही है और इसका नाम मेगुमो होता है। और मेगुमो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पहली बार किसी ने लड़का बोला है, क्योंकि सभी लोग उसको लड़की जैसे ट्रीट करते हैं और उसको मेगु बोलकर पुकारते हैं। लेकिन सोटा ही वही पहला बंदा है जो कि उसको लड़के जैसे ट्रीट कर रहा है। फिर सोटा मेगुमो के सर पर बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा फ्रेंडशिप फ्लैग देख पाता है, और ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतने सारे फ्लैग्स को कैसे तोड़ूं। और मेगुमो और सोटा ऐसे ही बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है, और वो उन दोनों को एक साथ देख कर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड कर लेती है, और अकाने मेगुमो को लड़की समझ कर उसको लड़की बोल देती है, जिसके वजह से मेगुमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर किकोनो आ जाती है और वो सोटा को मेगुमो के साथ देख कर बोलती है कि क्या, और वो बोलती है, मेरा क्या नजर हटी, सोटा ने तो और एक लड़की पटा ली। और ये सुनने के बाद तो मेगुमो उदास हो जाती है क्योंकि उसको भी किकोनो ने लड़की समझ लिया है। और ठीक उसके बाद वहाँ पर नानामी भी आ जाती है और वो भी मेगुमो को एक लड़की समझती है, और इसके वजह से तो मेगुमो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। देन अगले सीन में मेमोरी हमें बताती है कि अगर कोई सिंगल पर्सन स्कूल डॉर्म में रहा तो वो डॉर्म बंद हो जाएगा। जो सुनने के बाद तो सोटा के साथ साथ बाकी सब भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो बोलते हैं, क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे। वही पर मेमोरी तो अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। देन अकाने बोलती है कि मैं सोटा के साथ यहाँ पर मूव करने वाली हूँ। जो सुनकर सोटा थोड़ा शॉक्ड होता है और वो बोलता है, क्या ये मेंस डॉर्म नहीं है। तो फिर सुगुमी बोलती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक तभी किकोनो भी बोलती है, मैं भी यहाँ पर शिफ्ट करने वाली हूँ। इसके बाद ही मेगुमो भी बोलती है कि मैं भी यहाँ पर मूव करने वाली हूँ। और अंत में नानामी थोड़ा हिचकिचाती तो है, लेकिन वो भी यहाँ पर मूव करने के लिए सोचती है। देन अगले सीन में हम सोटा को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट होता है, और वो बोलता है, तुम सभी यहाँ पर मूव करने वाले थे लेकिन तुम सभी मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। फिर वो लोग एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, और फिर किकोनो बोलती है कि चलो हम लोग बात करके आते हैं। देन हम अकाने, नानामी और किकोनो को एक साथ देख पाते हैं जो कि एक ही साथ बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मेगुमो और सोटा को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर सोटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो मेगुमो के सर पर एक मेन फ्लैग देख पाता है। तभी मेगुमो उठकर सोटा को बोलता है, चलो सोटा हम लोग लड़कियों को बात करते हुए देखे, जिसमें सोटा को तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मेगुमो उसको पकड़ कर लेकर जाती है। और फिर बाथरूम के सामने सोटा को आगे रखकर मेगुमो उसके पीछे चली जाती है, और फिर मेगुमो सोटा को लड़कियों के बाथरूम में धक्का देकर खुद वहां से भाग जाती है, और सोटा बाथरूम के अंदर सब कुछ देख लेता है। वहीं पर नानामी उसको बहुत ही ज्यादा मारती भी है। देन सोटा मार ठार खाकर बाहर आकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको एक ब्लैक फ्लैग दिखता है। फिर वो उसी ब्लैक फ्लैग को पीछा करते हुए एक कमरे के अंदर जाता है, और रूम के अंदर जाकर उसको एक बॉक्स दिखता है, और वो जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है। और वो जब उस लेटर को पढ़ रहा था तभी उसको सभी पास्ट की बातें याद आने लगता है, जहाँ पर हम सोटा और साकुरा को एक साथ देख पाते हैं जो कि चेस खेल रहे होते हैं, और उस गेम में साकुरा जीत जाती है, और वो बोलती है, भैया तुम्हें हमारे बाधा तो याद है ना। जिसमें सोटा बोलता है कि हाँ, जो हारेगा उसको जीतने वाले कही गई बात को मानना पड़ेगा। तो साकुरा तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। फिर साकुरा बोलती है, मैं इसलिए नहीं जीती कि क्योंकि मेरे पास स्किल है, मैं इसलिए जीती क्योंकि मेरे सर के ऊपर विक्ट्री फ्लैग है और तुम्हारे सर के ऊपर एक डिफेट फ्लैग है। और ये बोलते हुए साकुरा सोटा के बहुत ही ज्यादा पास चली आती है और उसको बोलती है, मैं मेरे पावर को तुमको देने वाली हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें इस दुनिया का असली सच को जानना पड़ेगा। और अंत में ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, और तभी सोटा को होश आता है और वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। इसके बाद सोटा बोलता है, साकुरा, चेस, ओ शिप और मेरी बहन जिसके बारे में मैं भूल गया, और इस दुनिया का असली सच, और इन सब को सोटा कैलकुलेट करने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।